हमारा ही डिसीजन था कि ऋतिक रोशन करे। क्या हुआ कि फिल्म आज से 9 साल पहले जब संजीव दत्ता लिखना स्टार्ट किया था तो अनुराग बासु हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि हम फिल्म बनाना चाहते, तो हम अच्छी बात है। बाद में उनका इंटरेस्ट थोड़ा लूज हो गया तो फिर हम पढ़ाई लिखाई में लग गए, भूल गए कि फिल्म भी बन रही। 2.5 साल पहले संजीव दत्ता जी आए तो उनके पास बहुत सारा ऑफर था, उनके पास कई प्रोड्यूसर, कई एक्टर, कई डायरेक्टर उनसे टच में थे। तो पूछे आनंद जी किसके साथ होना चाहिए, तो कई लोगों से मुलाकात हुई, बट हमने देखा कि ऋतिक जी में जो प्यास थी फिल्म के प्रति, जो कलाकारी करना चाहते थे, उतनी प्यास हमने किन्हीं में नहीं दिखी। तब हमने डिसीजन लिया। हालांकि डिसीजन लेने में बड़ा मुश्किल हो रही थी क्योंकि सब लोग बोल रहा था, रही तो आपके उल्टा यार, तुम तो देहाती देखने में लगते हो, ये तो ग्रीक गॉड के नाम से जाता है, ये तो ब्रिटिश टाइप लगता है, कैसे तुम्हारा कर पाएगा। लेकिन ऋतिक जी से जब मिले एक दो बार तो उन्होंने कहा कि आपका रोल के लिए हम कम से कम 1 साल अपनी जिंदगी का देंगे, आप में के करेक्टर में घुस जाएंगे। और जो तरह से उन्होंने बात किया तो एज ए टीचर लगा, उनके चेहरे पर जो सुखता देखी, लालसा देखी कि नहीं आदमी कर सकता है सबसे बेहतर, तो हमने कहा नहीं ऋतिक जी के साथ ही करना चाहिए। तब मधु मंटेना जी से बात हुई और ये काम आगे बढ़ा। वो बहुत होशियार और समझदार आदमी, सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े एक्टर होने के बाद उनमें ईगो नाम का कोई चीज, हर वक्त हर समय सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमसे बातचीत की करीब 5-7 मीटिंग की, 5-5, 6-6 घंटे का, उसमें हमारा हाव भाव और कहानी सुनी, कई चीज़ों को समझने का प्रयास किया, 150 घंटे का वीडियो बनवाया जो नेचुरल लाइफ जैसे हम जीते हैं, पढ़ाते हैं, खाते पीते, और उसको नकल करने का प्रयास किए कि भाई हम करें। सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे बातचीत होती थी तो वो खो जाते थे, और बहुत बार जीवन के उलझन, जीवन के चैलेंजेज, इस सब से रिलेटेड सवाल पूछने लगते थे कि यार जीवन में ऐसी घटना हो तो क्या करना चाहिए वगैरह, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। कई बार तो हमारे करेक्टर में, हमारी कहानी में इतनी घुस गए कि एक बार हमें मुझे नीचे छोड़ने आए अपने फ्लैट से, और छोड़ते छोड़ते सड़क पर चल गए। जब सड़क पर गए तो उनका स्टाफ आके बोला कि सर आपके पैर में चप्पल नहीं, लीजिए चप्पल। तो इतना खो जाते थे। तो बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनमें कोई अहंकार नाम की चीज़ नहीं। मेरी छोटी 2 साल की बच्ची बोलने लगी पापा पापा करके टेलर में देख के रीति को, तो बहुत हद तक मिला दिया। और हमारा पहली बार जिंदगी में हुआ कि व्हाट्सएप का पूरा मेमोरी फुल हो गया, इतना मैसेज सब मेरा स्टूडेंट भेजा, वीडियो बना के भेजा, कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो बहुत अच्छा रहा। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत आश्चर्यचकित है कि इतना कैसे कोई नकल कर।